हेलो व्यूअर, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप hover.css को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ होवर इफेक्ट बना सकते हैं। hover.css को आप गूगल पर सर्च करें और इसको गिटहब से डाउनलोड करें। डाउनलोड करेंगे तो फिर आपके पास एक जिप फाइल होगी, ठीक है। जिप फाइल को जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह के फोल्डर आ जाएगी जिसमें css, las और scss की फाइल्स होंगी और एक index.html की फाइल भी होगी। आपको हमें hover.css और main.css इन दो फाइलों के साथ काम करना है, तो इन दोनों को जस्ट कॉपी करो, एक फोल्डर में इसको पेस्ट कर लें। पेस्ट करने के बाद फिर आपको एक html की फाइल बनानी है, hover.html, और अब इसको मैं एडिट करता हूँ सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर में। और सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर में मैं यूज करूंगा एमिट को। एमिट जो है वो फास्ट वेब फास्टेस्ट है, आप उसको कोडिंग में आप जल्दी से कोड को लिख सकते हैं। तो इस पर इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा एमिट पर कि कैसे एमिट को मुख्तलिफ टेक्स्ट एडिटर में इंस्टॉल करते हैं और इसको यूज कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट मिल सके। मैं बेसिक स्ट्रक्चर लेता हूँ, उसके बाद इन दोनों फाइलों को css की दोनों फाइलों को लिंक कर लेता हूँ। hover.css और hover.main.css इन दोनों फाइलों को लिंक करने के बाद यहाँ पर मैं h1 ले लेता हूँ, सेंटर, h1, इफेक्ट्स, ठीक है। और उसके बाद आप इस इफेक्ट को यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। जिस तरह इफेक्ट है कि मैं आपको यहाँ पर ले आता हूँ, टॉप पर ग्रो इफेक्ट है। आपको ग्रो इफेक्ट चाहिए तो आपको आईडी ऐड करना होगा hover.grow, टैब की प्रेस करें और इसके अंदर टेक्स्ट लिखें होवर। आप इसको सेव करें, सेव करने के बाद इसको ब्राउजर में ओपन करता हूँ तो ये देखें होवर मी, ठीक है। और इससे पहले आप इस तरह करें कि एक div ऐड कर लें, उसको आईडी दे दें इफेक्ट्स और इसको क्लास और आईडी दोनों इफेक्ट्स दे दें, ठीक है। और इस div को नीचे क्लोज कर लें यहाँ पर, इस div को क्लोज कर लेता हूँ और अब इस पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। इसको कौन सी, लेट मी चेक किसको क्या एडी दी हुई है। div id is equal to effects, class is equal to effects, div id effects and class effects to hover, hover me, ठीक है। और इसके अलावा आप दूसरा इफेक्ट एड करना चाहते हैं श्रिंक, श्रिंक रिफ्रेश, इसको सेव करें और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करें तो जब आप इस पर होवर करेंगे तो ये श्रिंक करेगा, श्रिंक shrink, इसको सेव करें और रिफ्रेश कर दें होवर को। अब इस पर होवर करेंगे तो ये श्रिंक होगा। मुख्तलिफ इफेक्ट्स हैं इसमें,
जो इफेक्ट आपको चाहिए आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। बस आप इसकी इसको ये इफेक्ट चाहिए तो इसको यहाँ पर आईडी बस ऐड कर दें और इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर दें। अब इस पर आप और करेंगे तो ये इफेक्ट आपको नजर आएगा। मैं जूम कर लेता हूँ तो आपको। इसके अलावा ये इफेक्ट जो है आप इसको इमेज पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसका टैग को चेंज करके इमेज कर लेता हूँ। सोर्स इक्वल टू और यहाँ पर इसको रिमूव कर लेता हूँ मैं। सेव करें। सेव करने के बाद इस पेज को रिफ्रेश कर लें। पिक्चर आएगी, इस पिक्चर का साइज सेट कर लें। विड्थ 300, हाइट 150। सेव करें। सेव करने के बाद यहाँ पर इसको रिफ्रेश करेंगे। अब आप इस पर होल्ड करेंगे तो ये इफेक्ट इस पर भी अप्लाई हो गया। मैं साइज को और कम कर लेता हूँ, 50 और 13 कर लेता हूँ। आप इसको सेव करें, रिफ्रेश। तो ये देखें, आप इस इफेक्ट को इमेज पर भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लिंक पर लगाएं तो यहाँ पर एंकर एलिमेंट ऐड करें, ए इन एट्रीब्यूट्स को हटा दें, इनकी अब जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आप इसको और एंकर टैग को क्लोज कर लें, रिफ्रेश कर लें। आप इसको पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें, यहाँ पर आप लिंक भी करना चाहते हैं तो इसको लिंक भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको कोई लिंक नहीं देना चाहता तो मैं हैश लिख लेता हूँ। अब जाके मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ तो ये देखिए लिंक है और ये होवर भी कर रहा है। इसके अलावा बैकग्राउंड ट्रांजिशन के कुछ इफेक्ट हैं, आप इनको भी यूज कर सकते हैं। मुख्तलिफ इफेक्ट हैं, आप जो इफेक्ट आप यूज करना चाहते हैं इसको यूज कर सकते हैं। अब इसको मैं आपको बता दूं कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं इस डिव को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको इसके नीचे यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ और इस डिव को यहाँ पर क्लोज भी मैं कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम इस इफेक्ट को ऐड करना चाहते हैं, बैकग्राउंड ट्रांजिशन वाले को। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। अब सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये फेड एंड फेड आउट, ठीक है। मजीद कुछ इफेक्ट हैं, आपको जो इफेक्ट पसंद हो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर ट्रांजिशन है, जो इफेक्ट आपको पसंद हो आप इसको यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इसको इसकी आपको समझ आ गई होगी और इसको एंजॉय भी कर लिया होगा। इसके बाद इंशाल्लाह मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा
इमेजेस के बारे में कि किस तरह इमेजेस पर होर इफेक्ट आप लगा सकते हैं। तो मेरे वीडियो से अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो नई वीडियो है उसकी अपडेट मिल सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस तरह के इफेक्ट को बनाएंगे कि किस तरह आप इमेजेस पर इस तरह के खूबसूरत इफेक्ट लगा सकते हैं।